अगर आप इंडिया से यहाँ पे आके ड्राइव करोगे थोड़ा सा डर लगता है, पर ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, सही लग रहा है। कॉस्को के रिटर्न पॉलिसी के मरने से पहले कभी भी वापस कर जाओ। हम लोग पहुँच गए हैं सबर्ब्स में और यहाँ की जो वाइब है एकदम अलग है। Assumptions about me, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, अच्छा बुरा जो भी है। नमस्ते सत श्री अकाल कैसे आप सबके हाल, मेरा नाम है ऋतु, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के 10:03 हो रहे हैं, बाहर का मौसम एकदम ज़बरदस्त है और सीन ऐसा है कि आज हम बहुत सारे जो अपने काम हैं वो करने वाले हैं और हमें कॉस्को जाना है, हमें एक दो जगह और जाना है और आज हम गाड़ी हायर कर रहे हैं और आई एम गोना ड्राइव आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, आई थिंक 1.5 साल बाद, और बाकी हम अपने सारे फटफट से काम निपटाएंगे। आज का जो डे इन माय लाइफ है आप मेरे साथ देखोगे, आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं एंड प्रशांत भी है, कंटेंट की कमी ना हो इसलिए। हेलो। और मार्क किधर है? मार्क इधर है। और बाय द वे हमने ये कहाँ से लिया था? कॉस्को से बहुत सारा सामान लिया था, पिछली बार। हाँ, और अब 1.5 महीना हो चुका है, हमें रिटर्न करना था तो हमने सोचा आज कराते हैं रिटर्न। कॉस्को वाले लेते हैं आराम से 3 महीने तक वापसी। हाँ। तो हम गए नहीं थे उसके रिसेंटली, अभी अगर किसी कॉमेडियन का वो भी आया है, राहुल दुआ का है ना, उन्होंने कॉस्को की रिटर्न पॉलिसी के मरने से पहले कभी भी वापस कर जाओ। नहीं, जेन्युइनली और नो आस्क पॉलिसी होती है, तो आप कुछ भी लो उसके बाद आपको वापस करना तो कर सकते हो। एंड बाय द वे यहाँ पे भाई साहब ये बहुत सही लगते हैं मुझे, अपने पापा मम्मी के साथ घूमते हुए काफ़ी सही लगता है। अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं गाड़ी लेने, गाड़ी लेने के लिए हमें जाना पड़ता है न्यूपोर्ट मॉल और वहाँ से हम लोग गाड़ी उठाते हैं, 24 घंटे के लिए मिलती है और फिर उसके बाद आपको जो भी काम निपटाना है वो आप निपटा सकते हो। और यहाँ पे गाड़ी की ज़रूरत होती है तो उसके बिना आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, तो आज हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं अपनी। अभी हम लोग मॉल के अंदर आ चुके हैं और वहाँ से हम लोग गाड़ी उठाते हैं और हमारे आगे ऑलरेडी 2 लोग हैं और सुबह सुबह मॉल एकदम खाली है, मतलब अभी दुकानें भी नहीं खुली हैं, तो अभी सब खुलेगा, फिर थोड़ा चहल पहल दिखेगा बड़ा। अभी अपन लोग गाड़ी उठाते हैं। तो गाड़ी की चाबी मिल चुकी है, ये है गाड़ी की चाबी, दिस इज किया। और गाड़ी का नाम क्या है? गाड़ी का नाम क्या है प्रशांत? किया सोल। और आई गेस इंडिया में इतने सारे लोग गाड़ी हायर नहीं करते हैं, बट US में बहुत ज़्यादा कल्चर है गाड़ी हायर करने का, क्योंकि यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना सही नहीं है, तो यहाँ पे मोस्टली जब भी हम आई थिंक हम वेगस गए या जिधर भी गए गाड़ी हायर, यहाँ पे गाड़ी की जरूरत होती है अगर आप कहीं जा रहे हो तो गाड़ी हायर करनी ही पड़ेगी। इंडिया में एक्चुअली लोग कम गाड़ी हायर करते हैं, बट इंडिया में काफी लोग टैक्सी कर लेते हैं, टैक्सी। हाँ, जिसे यहाँ पे शॉफर टैक्सी बोलते हैं, यहाँ पे खुद ही गाड़ी चलाने में लोग ज्यादा खुद ही चलानी पड़ती है, वो चीज़ बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। इंडिया में वो फायदा है, बट यहाँ पे कनेक्टिविटी शायद अच्छी नहीं है, बट अच्छी चीज़ ये है कि गाड़ियाँ बहुत सारी मिल जाती है, मतलब देयर आर लाइक बिग कंपनीज जिनका काम ही ये है कि जो गाड़ी रेंट पे दे। ठीक है, अभी हमने 1 दिन के लिए, तो हमें रात को 7 बजे तक वापस करना है, तो बेसिकली ये लोग मॉल में सुबह 7 बजे से 7 बजे तक बैठते हैं, तो हमारे पास पूरे दिन तक का टाइम है, तो कल सुबह 10:30 तक वापस कर सकते हैं, अगर आज वापस करनी है तो शाम को 7 बजे तक। बट हम रात को पार्किंग में भी लगा के जा सकते हैं, प्रशांत प्लीज गिव वन थिंग टू मी, पार्किंग में लगा के जा सकते हैं और सुबह आके इनको वापस कर देंगे हम। हाँ, चाबी वापस कर देंगे। तो अभी हम लोग पार्किंग में पहुँच गए हैं और यहाँ पे बहुत बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो सारी गाड़ियाँ इनकी है क्या? नहीं नहीं, ये तो मॉल की पार्किंग है, तो मॉल वाले लोग पार्क करते हैं। हाँ। 2-3 फ्लोर और इनमें से इन्होंने कुछ आयल्स अपने लिए ले रखे हैं। ठीक है, चलो। इसमें इनकी रेंटल गाड़ियाँ रखी रहती हैं। तो ये है वो गाड़ी और इट्स लुकिंग नाइस, बट इज इट लुकिंग लाइक अ बॉक्स स्पेशल? इट इज अ बॉक्स। जापान में नहीं होती ऐसी गाड़ियाँ, पीछे थोड़ी सी फ्लैट सी, क्योंकि वहाँ कम जगह होती है, तो ये जो इसका बैक साइड है ये ऐसा है, क्यूट लग रही है। ठीक है, चलो चलते। कौन सी वाली गाड़ी आती है कोई? अरे वो रिड्स। पीछे से ठुकी ठुकी से मेरी मम्मी बोलती थी ऐसा कुछ है इसका। आई एम बैक एट द ड्राइवर सीट, प्रशांत इज लिटिल स्केयर्ड बट आई एम लाइक टेक अ चिल पिल, आई विल बी फाइन। बट अगर आप इंडिया से यहाँ पे आके ड्राइव करोगे थोड़ा सा डर लगता है, बट वंस दैट डर गोज अवे थिंग्स आर बेटर। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारे होते हैं, बट आपको उनको फॉलो करना है, उसके बाद इट्स लाइक अ वीडियो गेम, बहुत आसान है यहाँ पे ड्राइव करना। बट थोड़ा सा इंडिया का लेफ्ट और राइट का ड्राइविंग वाला थोड़ा अंदर होता है, मैंने आइसलैंड में चलाई थी तो वो इंडिया वाली ड्राइविंग है, तो ये वाली ड्राइविंग आइसलैंड में ये वाली ड्राइविंग थी, वेल्स में थी इंडिया वाली ड्राइविंग, आइसलैंड में यही वाली थी। तो US की ड्राइविंग में एक और चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा फ्लाईओवर पे जब आप चढ़ते हो तो एग्जिट और एंट्री रैम्प्स होते हैं,
तो जब वो एंट्री रैंप पे चढ़ते हो तो ऐसा स्पीड अप करना होता है और लिटरली से वीडियो गेम की तरह लगता है कि अरे मतलब बस पीछे से कोई आए ना मुझे मार्च करा दो बस, उसके बाद फिर से मक्खन है। ये सब चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है बट अगर आप यहाँ आओगे और फिर शुरू करोगे इट इज़ वेरी ईजी। मतलब अभी इट हैज़ बीन सो मेनी ईयर्स कि अब मैंने इंडिया में ड्राइव करना छोड़ दिया है, रीज़न बीइंग कि मुझे डर लगता है या मुझे ठीक लगता है, वो आदत आदत की बात है। तो अगर आप इंडिया में ड्राइव कर सकते हो तो फिर आप दुनिया में किधर भी कर सकते हो। तो अभी हम लोग पहुँच गए कॉस्को और यहाँ से निकलने का प्लान है एक घंटे में, पता नहीं निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे बट हाँ ट्राई तो करेंगे। छोटे कुछ प्लान्स लूँ बट यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा। आई लाइक दीज वंस बट ये थोड़े से हैंगिंग वाले हैं तो ठीक है, ये वाले काफ़ी बड़े हो जाएंगे आई थिंक। ये घर वालों के लिए बालकनी में तो इतनी आंगन तो अभी हम लोग अंदर घुस रहे हैं और बाहर प्लांट्स रखे होते तो वो हमने देखा, बाकी हम फट फट चीज़ें उठाएंगे। अभी देखो खाली है, यहाँ पे कैसे भरती है पता भी नहीं लगता। तो अभी हमने दो गेस्ट हाउस उठाए हैं यहाँ पे 4.99 के और काफ़ी ज़्यादा चीप है। और कॉस्को में आने का फ़ायदा कि यहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है, प्रॉब्लम की बहुत बड़ा बड़ा मिलता है। बाय द वे हमने एक जो टीवी था वो भी यहीं से लिया था, लास्ट टाइम हम देख के गए थे देखा यहीं से था। कूल इन मैं बीच पे बोल रही हूँ बट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मुझे आपको कुछ बोलना है और वो ये है कि मैं करने वाली हूँ अपना पहला अजम्पशंस अबाउट मी। आप मेरे जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी मुझे देख रहा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, अच्छा बुरा जो भी आपके मन में मेरे लिए पहला थॉट है या परसेप्शन है कमेंट करके बताना, आई वुड लाइक टू आंसर इट। अगर वो कोई सवाल है या कोई परसेप्शन है या फिर कुछ भी है मुझे ज़रूर बताना। अजम्पशंस अबाउट मी, आप मेरी जो ऑडियंस है मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे जानना है और उसके जवाब देने हैं मुझे। नेक्स्ट वीक के ब्लॉग में मैं जवाब दूंगी बट सवाल आप यहाँ पूछ लेना। बाय बाय। और यहाँ पे जो शीट्स होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चीप होती हैं तो हम लोगों ने ये ली, दिस इज़ फॉर $19 किंग साइज। और टारगेट में कितने की मिलती है प्रशांत? आई थिंक 70 की टारगेट पे तो नहीं, टारगेट पे 40 टाइप्स की मिलती है वो माइक्रो 30-40 माइक्रो फाइबर वाली। अगर कॉटन वाली लेने जाओ तो 60-50 हमने ये माइक्रो फाइबर वाली ली, ये ठीक लग रही है। एक हमारे पास कॉटन की है ऑलरेडी तो हमने एक ये ले ली। और ऑफकोर्स यहाँ पे ये सब भी मिलते हैं बट आई थिंक कलर्स के थोड़े ऑप्शन कम होते हैं। और एक चीज़ जो काफ़ी एसेंशियल है वो है ये मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी बट मैं भूल गई थी कि इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो ये किचन मैट है, अगर आप इसके ऊपर खड़े रहोगे तो ज़्यादा देर तक आप थकोगे नहीं। और ये मेमोरी फोम का होता है और यहाँ पे ये 20 का मिल रहा है तो आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स अ डिस्काउंटेड प्राइस और नॉट बट इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। अगर आप किचन में खड़े होकर खाना बनाते हो तो ये आपके लिए भी है, ज़रूर ख़रीदना, इफ़ेक्ट दिखेगा आपको। तो अभी हम इसको लेते हैं लेमन्स बट इसका जो साइज़ है वो संतरे जैसा साइज है तो अभी हम इसको नहीं ले रहे। दीज आर लाइक वेरी वेरी बिग एंड जॉइंट और इतना वाटरमेलन। हाँ वाटरमेलन यहाँ पे $8 का है बट जो अपने घर के पास में वाटरमेलन मिल रहा है वो 16-17 में मिल रहा है तो मतलब हाफ द प्राइस। आई थिंक बाकी फ्रूट्स वगैरह भी काफी सस्ते होते हैं यहाँ पे। इंडिया वालों को लग रहा था, लगता है कि $60 का वाटरमेलन बहुत महंगा है, $8 का बट 500 रुपए का बट हाँ यहाँ पे उससे 1500 का भी मिल रहा है, 1500 का भी मिल रहा है। ठीक है तो अभी हमने थोड़ा सामान ले लिया है, बाकी हम घूमते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और कॉस्को में आके इन्हें देख के इतनी ज्यादा टेम्पटेशन होती है ना, मतलब यहाँ पे ये सारा सामान पूरा बेकरी का भरा पड़ा है बट द प्रॉब्लम इज कि इतने सारे हैं ये और हम सिर्फ दो लोग हैं तो खाने के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा है। प्रशांत कुछ लेना है इसमें से? प्रशांत लाइक नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये लिया 5.99 का, इसमें 1, 2, 3, 4 आई थिंक मॉर्टन में ये एक आता है 5.5 का, 4 आ गए इसमें, माय गॉड। और यहाँ पे साइज ऑफ द पैकेट मतलब इतने बड़े बड़े है ना, मतलब यहाँ पे सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा है। मतलब मैं आपको हाथ में उठा के दिखाती हूँ, एक चिप्स का पैकेट यहाँ इतना बड़ा है, सो दिस इज लाइक अ वेरी 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 बिग। बट या इसको हम नहीं ले रहे अभी आजकल, बट अभी बजे 12:37 एंड वी आर डन। आई गेस थोड़ा टाइम लग गया और थोड़ा यहाँ पे लोग इतना सारा सामान लेके चलते हैं तो टाइम लगता है चेकआउट करने में, तो अभी आई गेस 10 मिनट लगेंगे हमें तो चेकआउट, फिर मिलते हैं। और अभी हम इसकी डिग्गी भरना शुरू कर रहे हैं और सही है, गाड़ी मस्त है ये, इसका आई थिंक स्टोरेज थोड़ा कम है, अदरवाइज इट्स अ नाइस कार। और हमने कितना टाइम लगाया प्रशांत? हमने सोचा था कम टाइम लगाया, ठीक है लगता ही है। अभी हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं लिबर्टी स्टेट पार्क और
वापस वहाँ से इनफैक्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखती है और ये सारा जर्सी सिटी है, वो सारा न्यूयॉर्क है, और यहाँ से स्काईलाइन बहुत ही अमेजिंग दिखती है। और आई गेस जब हम पहले यहाँ रहते थे हम लोग बहुत जाते थे, तो अब हम जाके दोबारा से एक्सप्लोर करने वाले हैं और ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे बिकॉज इट इज़ हॉट आउटसाइड, बट हाँ हमें जाना था और गाड़ी का पूर्णता उपयोग करने के लिए हम लोग चले जाते हैं। और आज हमारे पास इजी पास नहीं है तो हर जगह हमें ऐसे टोल पे पैसे देने पड़ रहे हैं, और जर्सी में बहुत सारे टोल्स हैं, मतलब बहुत 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 सारे। ये जो बहुत सारी झाड़ है इसके जस्ट पीछे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो इधर किधर है बीच में जो दिखा था वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो अभी हम लोग दूसरे पार्किंग स्पॉट पे जा रहे हैं, जब पहले वाले में गए थे तो वहां से कुछ दिख नहीं रहा था। अरे मेरी घड़ी, ओह हियर सम इन्फॉर्मेशन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी विकिपीडिया अपने आप चल गया आजकल घड़ी अपने आप काफी बातें कर रही है मेरी, बट ठीक है। और हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी पार्क में, और इसका नाम है नहीं लिबर्टी स्टेट पार्क में, राइट पीछे यहाँ पे। ओके सो दिस इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसका बैक साइड यहाँ पे जर्सी सिटी में आता है, उधर न्यूयॉर्क है और न्यूयॉर्क में इसका फ्रंट आता है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है ये। और यहाँ पे ये सारा न्यूयॉर्क की स्काईलाइन है, और ये जो है सारी जर्सी सिटी की स्काईलाइन है। अभी यहाँ पे लोग आपको दिखेंगे नहीं, आई गेस यहाँ पे आगे कुछ तो चिल्ड्रंस पार्क है, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे। अभी आंटी के थोड़े से पास चलते हैं, आई गेस वहाँ जाना शायद अलाउड नहीं है, नहीं वहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ तक जा सकते हैं फिर चलेंगे। तो अभी हम लोग वाटर फ्रंट पे आ चुके हैं, बहुत ही अमेजिंग सा वॉक वे है, मतलब वहाँ एंड तक बहुत ही अमेजिंग सा वॉक वे है। इस पर आई गेस दो तीन बॉलीवुड फिल्म्स भी शूट हो रखी है, तो वहाँ तक आप पूरा वॉक कर सकते हो। और ये सारा न्यूयॉर्क है, और इसका नाम क्या है प्रशांत, इसका नाम है एलिस आइलैंड, हाँ ये छोटा सा आइलैंड था, और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, सही लग रहा है। और हम लोग उस दिन आइकिया गए थे, वो भी इधर किधर ही है ना, हम लोग आइकिया वाला आइकिया ना, हाँ वो उधर कहीं पड़ता है, yeah. वो पूरा ब्रुकलिन है, वो वाला एरिया, वो पूरा ब्रुकलिन है, ये एलिस आइलैंड है, ये डाउन टाउन मैनहट्टन है, ये जर्सी सिटी है। ओके आई गेस चले चलो, अभी हम वॉक नहीं कर रहे, बस हम लोग देखने आए थे, कभी आराम से आएंगे। बट हाँ मुझे याद है हम लोग यहाँ वॉक करने नहीं आते, मम्मी के साथ आते हो, मतलब काफ़ी बार आए हम लोग यहाँ पे, बस ऐसे ही मतलब आके फोटो वोटो खिंचाने, जब मम्मी पापा आए थे, रितु के मम्मी पापा आए थे, मेरी मम्मी आई थी, शेंकी आया था, सबको लेके आते हैं ये जगह, बहुत पास है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ से इतने पास से दिखता है, हम सबको लेके आते हैं। बस यहाँ पे आके वो जो पुरानी वाली मेमोरीज है ना हमारी, वो रिफ्रेश हो जाती है। और मतलब जब हम लास्ट टाइम जर्सी में थे तो हम बहुत कम टाइम के लिए थे, हम कनेक्टिकट में ज़्यादा टाइम के लिए थे, तो हमें वहाँ का ज़्यादा आइडिया है, यहाँ का हमें आइडिया अब होना शुरू हो रहा है, सो दैट वाज ग्रेट। अभी वापस चलते हैं, और धूप और गर्मी ज़्यादा हो गई है आजकल, और अब अच्छे से हो गई है फाइनली, आई गेस स्वेटर वेटर सब डन है, तो अब सही समर्स आ चुके हैं फाइनली, लोग घूम रहे हैं बाहर, बट अभी दिन में थोड़ी गर्मी होती है, अब ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते, तो हम घूमे 20-25 मिनट, पर अभी हम जा रहे हैं। और गाड़ी का अच्छे से उपयोग करते हुए हम लोग जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन नंबर 3 पे। हमारे एक फ्रेंड है जर्सी में जो हमें काफ़ी टाइम से अपने घर बुला रहे थे और हम जा नहीं पा रहे थे, तो फाइनली आज हम उनके घर भी जा रहे हैं। आई गेस उनके घर से मिलने के बाद मिलते हैं प्रशांत, एक और चीज हमारे अलावा चिड़ियों ने भी गाड़ी का अच्छा उपयोग कर दिया मिलते ही बहुत सारा उसको में, हाँ बहुत सारा कर रखा, बीट 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 कर रखा, बीट कर रखे भर भर के। अभी ये जो रास्ते है ना, मतलब जर्सी में अंदर काफी खूबसूरती है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ ये सब नहीं है, बट यहाँ पे जो अंदर अगर आप यू नो सबर्ब्स की तरफ आओगे तो सबर्ब्स में ऐसे अमेजिंग से रास्ते होते हैं, हाईवे काफ़ी बड़े बड़े और चौड़े चौड़े होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, यहाँ पे दो तीन जगह है, शॉर्ट हिल मेलबर्न, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडियन लोग हैं, यहाँ के स्कूल डिस्ट्रिक्ट काफ़ी अच्छे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इंडियन लोग काफ़ी ज़्यादा घर लेते हैं। अभी आएंगे उनके घर पहुँचने वाले हम कितनी देर में प्रशांत, 20 मिनट में ठीक है, उसके बाद मिलते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं सबर्ब्स में, और यहाँ की जो वाइब है एकदम अलग है, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ और यहाँ में बहुत अंतर है, यहाँ बहुत बड़े बड़े घर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी होती है और बड़े बड़े पार्क्स होते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ना इसके पीछे
ऐसे बड़े बड़े घर हैं और बड़ा अलग होता है यहाँ की जिंदगी, काफी अलग है। हमारे यहाँ थोड़े से यंग टाइप, हमारे टाइप के कपल लोग रहते हैं यहाँ पे, मोस्टली ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास मतलब पूरी फैमिली होती है और काफी बड़े बड़े एकदम जॉइंट हाउसेस होते हैं। तो ये अलग जगह है। ओह माय गॉड, लुक एट दैट बिग हाउस, भाई लुक्स वेरी वेरी नाइस। तो सही है, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। एंड बस अभी हम लोग उनके घर से निकल चुके हैं, हमारा घर पहुंचने में हमें लगेंगे लगभग 40 मिनट। और पहले हम सोच रहे थे गाड़ी अपने पास रख ले और कल सुबह रिटर्न कर दे, बट वी आर गुड ऑन टाइम एंड जर्सी के ट्रैफिक से पहले अगर हम पहुंच जाए तो अच्छी बात ये होगी कि गाड़ी हम आज रिटर्न कर लेंगे तो पार्किंग का हमें टेंशन नहीं होगा एंड ईजी रहेगा। कल सुबह नहीं तो भागम भाग रहती। एंड घर बहुत अच्छे होते हैं सबोब्स के, मतलब मैं तो आजकल फ़ैन हो रखी हूँ, बड़े मज़े आए, खाना बहुत अच्छे से खाया। और हाँ, अभी आई गेस इन 40 मिनट्स विल बी होम। और हम सोच रहे थे बीच में एक बार इंडियन स्ट्रीट चले जाए, बट अब थक चुके हैं हम, तो अभी हम घर ही जाएंगे सीधा। खा भी लिया, घूम लिया, दो चीज़ें कर ली, सो वी आर गुड। किसी से मिलना था वो कर लिया। और ड्राइविंग के बारे में क्या कहना है? तो संपूर्ण इस्तेमाल हो गया। ड्राइविंग इज गुड, मतलब देखो बहुत टाइम बात करोगे थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट या यू विल फील ओके। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल है यहाँ तो। अब इंडिया में अगर आपने चलाई है 3-4 साल तो यहाँ प्रो, कोई टेंशन नहीं है। आई एम बैक होम और अभी बज रहे 6:30 और सुबह हम पता नहीं कि आई थिंक 10:30 निकले थे। घूमते घूमते नहीं पता लगता, बट नाउ आई एम रियलाइजिंग ज़्यादा टायर्ड हो गए, बट हाँ ठीक है। प्रशांत हैज़ गॉन टू रिटर्न द गाड़ी क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। मैं ऊपर आ गई और मैंने वो सारा सामान उनकी असाइंड जगह पे रख दिया, मतलब जहाँ पे टॉल्स, बेडशीट्स, जो भी हमने सामान लिया था किचन का, ग्रॉसरी, वो सब रख दिया। सो या वी आर गुड। सामान लेना एक तरफ, सामान सेट करना एक तरफ। एज ऑफ नाउ आई एम वेरी टायर्ड, सी यू इन अ व्हाइल, रात को मिलते हैं। एंड विद दिस ये जो आज का दिन है ख़त्म होता है। एक बार और रिक्वेस्ट, अजम्पशंस अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, अच्छा बुरा जो भी है कमेंट करके बताना। मैं आगे आने वाले व्लॉग में उसका जो सवाल का जो जवाब है या फिर आप मेरे बारे में क्या सोचते हो उसका आंसर देना चाहती हूँ, तो वो कर देना। आज का दिन कैसा लगा ज़रूर बताना, काफ़ी भसड़दार दिन था, बट हाँ ठीक है। सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।